सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो हम हैं बजाज का शोरूम और जो पल्सर 125 है, हम इसका आज एक छोटा सा रिव्यू कर लेंगे और इसका प्राइस, मतलब प्राइस का जो भी डिटेल है वो सब बता देंगे, और कितना डाउन पेमेंट में कितना ईएमआई आएगा वो सब के बारे में बताएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि जो इसका जो सीट हाइट है वो कितना होने वाला है। तो जो मेरा सीट हाइट है वो है 5.7 इंच का। तो अब बैठ के देखते हैं। तो बैठने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादा मेरा पैर बचा हुआ नहीं है, तो इसको मुश्किल से 5.45 वाले लोग चला पाएंगे। उससे कम वाले के लिए आगे पीछे जैसे इस तरह से करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन चलाने का तो 5.12 वाले लोग भी चला पाएंगे, तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बस उनको तो ऐसा करके चलाना पड़ेगा। बाकी जो 5.5 है वो लोग को आराम से कंफर्टेबली पूरा पैर पहुँचेगा। तो अब आते हैं इसका बेसिकली इसमें क्या क्या दिया हुआ है उन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखने के लिए। तो फ्रंट के साइड पर यहाँ पे देख सकते हैं इसका, और यहाँ पे इसका लोगो, और इसका जो हाइलोजन है वाला बल्ब का है, मतलब जो इसका हेडलाइट है वो आपको हाइलोजन नहीं देखने को मिलेगा, और इसका इंडिकेटर है वो भी, और फ्रंट के साइड में इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा। और इधर इसका टायर फ्रंट के साइड में आपको डिस्क मिलेगा। इसका लगभग कुछ 3 से 4 वेरियंट है, जिसमें कि आपको जितना भी वेरियंट है सब में आपको डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलेगा फ्रंट के साइड में। और इसका जो टायर का साइज़ है वो फ्रंट के साइड में 80x100, जो कि 17 इंच का टायर आपको देखने को मिलेगा। जो बाकी इसका वेरिएंट है, पहले इसमें और सभी में थोड़ा सा आपको इसका अंतर बताए थे कि इसमें क्या क्या अंतर मिलेगा। तो ये वाला मिड वेरिएंट है, इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगा और ग्राफिक मिल जाएगा, और इसमें जो लेग गार्ड है ये सब आपको लगा हुआ मिलेगा। और इसका जो मीटर है वो आपको सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। तो अब इसका जो टॉप वाला वर्जन आता है वो आपको दिखा देते हैं। इसमें जो ग्राफिक है वो भी आपको पूरा देखने को मिलेगा, पीछे से फ्रंट के साइड में रिम में। और इसका जो मीटर है वो फुल्ली आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी चार्जर, ये सब का फीचर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो सीट है वो स्प्लिट होगा, और इससे कम वाले वेरियंट में आपको सिंगल सीट मिलेगा। और जो सबसे जो बेस वर्जन है उसका आपको एक बार दिखा देते हैं। इसमें जो ग्राफिक है वो आपको काफ़ी हल्के देखने को मिलेगा, उतना जो तड़कता भड़कता आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। इसमें भी सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। सीट जो है वो स्प्लिट नहीं, सिंगल होगा। और इसमें भी आप एक बार ऑन करके देखेंगे जो इसका मीटर इस तरह से होगा। और इसमें जो लेग गार्ड सब है और कुछ कुछ एक्सेसरीज है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, इसमें इनबिल्ट नहीं मिलेगा। और टॉप वाला जो वर्ज़न है उसमें, और उससे एक नीचे वर्ज़न है ये वाले में, इसमें आपको मिल जाएगा जैसे लेग गार्ड और एक्सेसरीज सब, वो सब आपको जो इस गाड़ी का प्राइस है उसी में ही आपको देखने को मिलेगा। तो हम आपको बेस से हल्का सा ऊपर वाला वर्ज़न दिखा रहे हैं, तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहले इसका स्टिकर, यहाँ पर इसका रिम फ्रंट के साइड में, यहाँ पर हेडलाइट के बगल में, यहाँ पे, और एक नीचे में, और एक यहाँ पे इस तरह से, और बैक साइड में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और पीछे रिम में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ जैसे कि उस साइड पे था सेम उसी तरह से इस साइड में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर हल्का सा दिया हुआ है जो कि ज़्यादा उतना पता नहीं चल रहा है, और यहाँ पर नीचे में और इस साइड। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसका इंजन के बारे में जो कि यहाँ पे दिया। वैसे इसका एक फीचर ये भी कि इसमें सेल्फ स्टार्ट है और किक भी है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जो इसका इस गाड़ी का जो सीसी है वो 124.4 सीसी का है, जो कि 11.6 bhp देता है, जो कि 8,500 rpm के साथ चलता है, और जो कि 10.8 Nm का टॉर्क देता है, जो कि 6,500 rpm के साथ चलता है। और फिर यहाँ पर इसका देख सकते हैं कि जो ब्रेक है रियर के साइड वाला उसका, और इसका जो साइलेंसर का कवर है वो भी आपको ब्लैक में का ही फिनिश देखने को मिलेगा सब में, बाकी वर्जन में भी। और ये रहा इसका बैक का ड्रम, वैसे किसी में भी आपको, मतलब जिसमें जितना भी वर्जन है उसमें आपको सब में रियर के साइड में जो है ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगा। तो जो इसका जो साइज़ है वो 130 mm ही आपको देखने को मिलेगा, और जो रियर साइज का जो टायर है वो आपको 100, 90, 17 का टायर का साइज देखने को मिलेगा रियर के साइड में। फ्रंट के साइड में था आपका 80, 100, 17। और इसका जो बैक लाइट है वो बैक लाइट का जो
हाइलोजन में ही आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, और जो इसका लाइट है वो आपको एलईडी देखने को मिलेगा। ये इसका रिफ्लेक्टर, यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। मड प्रोटेक्शन यहाँ पर है, थोड़ा सा और नीचे हो सकता था, हल्का सा छीटा मारेगा, ज़्यादा नहीं मारेगा। और फिर इस साइड में आपका ये प्रोटेक्शन आ जाएगा, और थोड़ा सा मड प्रोटेक्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो कपड़ा उपड़ा अंदर जाने में थोड़ा सा दिक्कत ही होगा, मतलब कपड़ा अंदर जाने का कोई ख़तरा उतना नहीं है। और इसका रियर साइड का सस्पेंशन यहाँ पर है, यूएसएस में ट्विन सस्पेंशन है जो कि दोनों साइड में दिया हुआ है, सिंगल साइड नहीं है। तो अब इसका स्टैंड, वैसे इसका स्टैंड में सेंसर भी आ जाएगा, ताकि आपको जो स्टैंड हटाने का जो अलर्ट है वो मिल जाएगा। और जो इसमें गियर है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि पाँच, इसका छः बोलते हैं, मतलब टोटल गियर छः मिलेगा, जो कि न्यूट्रल को मिला करके, यानी कि टोटल जो है वो पाँच ही है। एक डाउन जाएगा और बाकी चार जो है नीचे जाएगा, यानी टोटल इसमें पाँच गियर ही देखने को मिलेगा। और इसका यहाँ पर आपको मिल जाएगा हॉर्न, और इसका एक बार बटन दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इसका किल स्विच ऑन ऑफ कर मिल जाएगा, यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट, ये इसका चाबी, और यहाँ पर लो बीम हाई बीम, और ये इंडिकेटर हॉर्न, और इसमें पासिंग लाइट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि इसमें आपको मीटर में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आरपीएम चलेगा, यहाँ पर इसका स्पीडोमीटर है, और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड का सेंसर भी शो करेगा। लो बैटरी लो है, अभी इसका बैटरी जो है वो लो है, वो भी शो हो रहा है। और यहाँ ऑटो फ्यूल इकोनॉमी भी शो करेगा, यानी कि आप कितना चला रहे हैं, उसमें कितना माइलेज मिल रहा है वो शो कर जाएगा। इसमें दो ट्रिप का भी दिया हुआ है, डिस्टेंस टू एम्प्टी है, मतलब कितना गाड़ी चल सकता है, और वो भी आपको इसमें शो करेगा। तो फीचर्स लगभग सारे दिया हुआ है, जबकि ये जो लो वाला वर्ज़न है उससे एक मॉडल ऊपर ही है, यानी कि अगर आप टॉप वाला वर्ज़न लेंगे तो उसमें लगभग सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जो इसमें है वो तो है ही। और ये रहा इस गाड़ी का कुछ ओवरऑल लुक। इस गाड़ी का जो टंकी है वो आपको 11.5 लीटर का देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 50 तक का माइलेज देगा, लेकिन ये 55 तक का माइलेज देता है नॉर्मली, अगर अच्छे से चलाएगा तो, और थोड़ा रफली चलाएगा, जो कि बजाज से गाड़ी लेकर लोग अक्सर चलाते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है आपका माइलेज घटेगा ही। ये तो हो गया इसका छोटा सा रिव्यू, मतलब इसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ ये बता दिए। तो चलिए अब आप इसका प्राइसिंग का डिटेल है वो सब के बारे में थोड़ा बताते हैं। तो बता दें कि इसमें फ़िलहाल तो इस शोरूम में अभी चार, मतलब जो इसका मॉडल है वो चार मॉडल मौजूद है। तो स्टार्टिंग करते हैं इसका, जो सबसे बेस वाला वर्ज़न है ये वाला है, जिसमें कि काफ़ी सिंपल फीचर दिया हुआ है। इसका प्राइस आपका आ जाएगा 99,770 रुपये। फिर इससे जो ऊपर जो वर्ज़न है वो वाला, ये वाला आ जाएगा, इसका नाम है सिंगल सीट न्यू यूजी। इसका प्राइस आपका आ जाएगा 1,08,440 रुपये। फिर इससे ऊपर का आपका आ जाएगा सिंगल सीट DI करके, ये वाला वर्ज़न, इसका प्राइस आपका आ जाएगा 1,10,710 रुपये। और फिर इसका जो टॉप वाला वर्ज़न है वो ये वाला आपका आ जाएगा, जिसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 1,15,370 रुपये। और फिर कुछ कुछ में आपको एक्स्ट्रा मतलब पे करना पड़ेगा, जैसे कि अगर बेस वाला ले रहे हैं तो उसमें आपको एक्सेसरीज सब के लिए पे करना पड़ेगा, टॉप वाला ले रहे हैं तो उसमें जो सारा प्राइस है उसी में एडेड है, तो उसमें नहीं देना पड़ेगा। तो ये हो गया। फिर इसके बाद इसका डाउन पेमेंट और EMI के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि हम बताने वाले हैं ये इस वाला वर्ज़न का, यानी कि जिसका प्राइस है आपका 1,08,410। तो अगर आप इस गाड़ी का जो डाउन पेमेंट दे रहे हैं 20,000, यानी कि सबसे कम प्राइस, तो इसमें थोड़ा सा आपका जो इंटरेस्ट है वो सब भाग जाता है, तो उसका जो प्राइस पड़ने वाला है आपका, मतलब 20,000 अगर डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो 2 साल का जो EMI है वो आ जाएगा 4,794, और 3 साल का आ जाएगा 3,585 रुपये। और फिर अगर आप, वैसे अगर आप थोड़ा सा जैसे बैंक का सिविल ख़राब हो जाता है किसी किसी का, तो वैसे में कम डाउन पेमेंट देने पर काम नहीं चलता है, तो वैसे में कम से कम 35% देना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आप 40,000 दे रहे हैं तो 2 साल का EMI आ जाएगा आपका 3,648, और 3 साल का EMI है वो आ जाएगा 2,707 रुपये। और अगर आप इस गाड़ी का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 50% से ऊपर ही पे करना पड़ता है। तो
हम जो अगर आप 70,000 देते हैं तो 18 महीने का जो है वो ईएमआई आ जाएगा 2,544, और 2 साल का ईएमआई है वो आ जाएगा 2,010 रुपये। यही है अब तो। वैसे इसके अलावा और भी है, जैसे कि अगर आप गाड़ी फाइनेंस करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको जो हाइपोथिकेशन चार्ज है वो देना पड़ता है, जिसका प्रोसेसिंग चार्ज है वो देना पड़ता है। तो जो हाइपोथिकेशन का प्राइस वो आ जाता है 500, और जो प्रोसेसिंग में बहुत कुछ आता है। तो अगर इसको अगर आप सिंपल वे में समझिएगा तो हर एक कंपनी का अलग होता है, तो उसमें 3 से 5% के बीच में लगता है कि जितना आपका जो लोन पास हो रहा है उस हिसाब से 3 से 5% लगता है। तो जो इसका प्राइसिंग, अगर जैसे कि 10,000 का अगर आपका लोन पड़ा तो उसमें का 3% लग जाएगा, 1 लाख का पड़ रहा है तो 1 लाख के हिसाब से बताते हैं। जैसे कि 1 लाख पड़ रहा है तो उसमें आपको 3,000 का प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा, और किसी का ज़्यादा है 5 है तो उसमें 5% का प्रोसेसिंग फ़ी लगता है। तो यही है इसका। और जो अगर आप ले रहे हैं तो जो कैश में ले रहे हैं तो केवल आपको आधार पैन से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो आधार पैन, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड रहता है, तो डायरेक्टली कटवाने के लिए सुविधाजनक हो जाता है और आपका फ़ोटो भी लगता है। तो यही था इसका ओवरऑल रिव्यू और प्राइसिंग का वीडियो। तो वैसे आपको जाते जाते इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हैं। ये है नॉर्मल में, और थोड़ा सा एक्सीलरेट करते हैं।